देश के प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी एक बार फिर काशी से ताल ठोकने जा रहे हैं, लेकिन रविवार तक तो किसी भी प्रमुख दल ने पीएम मोदी के खिलाफ अपने पत्ते नहीं खोले थे, लेकिन सोमवार देर शाम सपा बसपा गठबंधन ने मोदी के खिलाफ अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। यूपी में बुआ बबुआ के इस गठबंधन की तरफ से शालिनी यादव पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेंगी। आइए आपको पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए वाराणसी के मैदान में उतरने वाली शालिनी यादव के बारे में बताते हैं। सपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी संसदीय सीट से जिस शालिनी यादव को मैदान में उतारा है, वो कांग्रेस के पुराने नेता और राज्यसभा के पूर्व उपसभापति श्याम लाल यादव की पुत्रवधू हैं। श्याम लाल यादव ने 1984 में हुए लोकसभा चुनाव में वाराणसी संसदीय सीट से चुनाव लड़ा था और विजय रहे थे। शालिनी यादव बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में ग्रेजुएट हैं और उनके पास फैशन डिजाइनिंग में डिग्री भी है। शालिनी यादव इससे पहले 2017 के वाराणसी के मेयर चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमा चुकी हैं, लेकिन तब वो चुनाव में हार गई थीं। इस बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद शालिनी यादव ने कहा कि मैं खुश हूँ कि अखिलेश जी ने मुझ पर भरोसा दिखाया और पीएम मोदी से मुकाबले के लिए वाराणसी भेजा। शालिनी ने 2017 में कांग्रेस ज्वाइन की थी, जिसके बाद शालिनी को 20 अप्रैल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया था। सोमवार को शालिनी ने लखनऊ पहुंचकर अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा की सदस्यता ग्रहण की, जिसके बाद सपा ने सोमवार को ही शालिनी का नाम वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ घोषित कर दिया। शालिनी यादव ने कहा कि वो अखिलेश की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुई हैं। वैसे आपको बता दें कि कांग्रेस ने अभी तक वाराणसी से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जिस तरह की चर्चा चल रही है, हो सकता है कि प्रियंका गांधी वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ें। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।